हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप जूट का बिजनेस करना चाहते हैं या तो जूट बैग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही समय है। हालांकि आप जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्लास्टिक बैंड है, इंडिया तो बैंड है ही है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी प्लास्टिक बैंड है। तो ये अच्छा मौका है कि आप हैंड बैग, कैरी बैग, कॉमोडिटीज बैग एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जो आप डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बिजनेस कर सकते हैं। डोमेस्टिकली हम लोग का ऐसे ही नज़र में आता है कि अभी प्लास्टिक बैंड हो चुका है तो ज़्यादातर जूट बैग का इस्तेमाल किया जाता है। और इंटरनेशनली का बात करें तो हमारा देश, बहुत शर्म की बात है, हमारा देश अभी भी सेकेंड पोजिशन में। हालांकि वेस्ट बंगाल हमारा जूट बैग का प्रोडक्शन में टॉप रैंक में आता है। जूट बैग का इनका क्वालिटी सबसे अच्छा है। वेस्ट बंगाल का बाद है बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप जूट बैग का बिजनेस स्टार्ट करें। जूट बैग रॉ मटेरियल्स आपको अगर वेस्ट बंगाल से बाहर है, जूट बैग का रॉ मटेरियल्स आपको बहुत सारा B2B जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, बिजनेस एक्सपोर्टर्स इंडिया, जस्ट डायल, बहुत सारा कंपनी है, वेबसाइट है जहां आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। आप उनसे बात कीजिए, विजिट कीजिए शॉप में, ऑफिस में, फैक्ट्री में और आप डील कीजिए। अभी बात यह है कि हमारा देश इतना अच्छा प्रोडक्ट करने का बावजूद ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट में सेकंड पोजीशन में, बहुत शर्म की बात है। हम लोग का इतना सारा प्रोडक्ट रहने के बावजूद हम लोग अभी भी एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक्सपोर्ट कीजिए और डॉलर लेकर आइए अपना घर को खुशहाली से भर के रखिए और भारत का तरक्की कीजिए। इसमें ये राष्ट्र भक्ति जो है, मुंह में ना बोल के अगर आप काम में कीजिएगा तो ये सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि हमारा इंडिया विदेश में कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है। ऐसा तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे देश से जूट लेता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, जो अगला 2021 और 22 में 118.3 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है जूट। और तुर्की है 331.93 मिलियन डॉलर, जो एक बहुत बड़ा रकम होता है हमारे देश के लिए, बहुत बड़ा गौरव की बात है। लेकिन और भी गौरव बढ़ेगा, और भी राष्ट्रभक्ति बढ़ेगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट का छोड़िए, इंपोर्ट तो अलग बात हो गया, एक्सपोर्ट में अगर आप भागीदारी लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट कीजिए। कोलकाता या तो वेस्ट बंगाल में अगर किसी को इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट करने का, कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो हमारे एक जान पहचान के हैं, अगर बोलिएगा तो उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ज़्यादातर एक्सपोर्ट में क्या बोले, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, हेल्प करती है। जस्ट आपका एक GST नंबर लेना पड़ेगा, एक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंपनी होना होगा, प्रोपर्टीशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, LLC हो सकता है, लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी एक कंपनी आप खोल सकते हैं। कंपनी या तो सोल प्रोपर्टीशिप, माने एक आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो, मतलब थोड़ा जानकारी हमको है, आपको हम शेयर करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ है, कितना खर्चा होगा,
इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा आइडिया दे दे रहे हैं, इसमें से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नंबर शेयर करेंगे, आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो है आपका एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस का बाद ट्रेड लाइसेंस में 500 से 1000 रुपये तक का आपका ट्रेड लाइसेंस आ जाता है कोई भी दुकान में। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई आपको ऑफिस गोडाउन का जरूरत नहीं पड़ता है। एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस, आप घर से भी कर सकते हैं। एक ट्रेड लाइसेंस, एक जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक करंट अकाउंट जो एडी वाला होगा, एडी कोड वाला, वो आपको करंट अकाउंट जिस बैंक में कीजिएगा उस बैंक से बात कीजिएगा कि हमको एक्सपोर्ट करना है। एक्चुअली वो फॉरेक्स जो डील करता है, मतलब आप पेमेंट के लिए आपको झेलना ना पड़े, इंस्टेंट आपका इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा बैंक से आप अकाउंट खोलिए तो ज़्यादातर 15-20 हज़ार रुपये में आपका करंट अकाउंट खुल जाता है। जीएसटी हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, करंट अकाउंट हो गया, और एक IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये आपको 200-250 रुपये में वेबसाइट में आप खुद इसको कर सकते हैं। ये जो काम 3-4 आइटम बोला, अगर आप थोड़ा बहुत भी क्या बोले कल्चरल है, बिजनेस करते हैं, तो आपको ये आइडिया है, आपको ये ज़्यादा हेजिटेट नहीं होगा। अगर आप नहीं करते हैं, पहला बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई चार्टर्ड अकाउंट से बात कीजिए, उनका 1-2 हज़ार रुपये फीस होगा, आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस करा देगा। और एक होता है RCMC। ये RCMC कोड क्या है, ये डिटेल्स में आपको कंसल्टेंट बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे कि एक होता है डेयरी फार्म, एक होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है फार्मास्यूटिकल, एक होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज, इस टाइप का बहुत सारा हम लोग का कैटेगरी है। तो अगर आप एग्रीकल्चर, जैसे जूट है, जूट जो है वो एग्रीकल्चर में आता है, तो इसके लिए अलग सा एक माने क्या बोले सेक्शन है, विभाग है, उसमें आप जाइएगा, आपको शायद 10-15 हज़ार रुपया उनका एक फीस है, और अगर लेने का बाद RCMC ले लिए तो आपका 90% काम एक्सपोर्ट का हो गया। अब उसके बाद आपको प्रोडक्ट के लिए बायर ढूंढना पड़ेगा, वो आप बहुत सारे वेबसाइट है, या तो कंसल्टेंट के पास जो जाइएगा उनसे बात कीजिएगा, तो वो आपको बायर्स भी दे देंगे, आप खुद उनके साथ बात कीजिए, या तो आपको सिखा देंगे कैसे बायर्स लेना पड़ता है, कैसे कॉन्विंस करना पड़ता है, आपको नॉलेज दे देंगे। तो ये एक्सपोर्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया आपको, अब बाकी आपको शायद नॉलेज है, अगर नहीं है तो और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जूट का क्या क्या प्रोडक्शन होता है। जूट का प्रोडक्ट होता है हैंडबैग, कैरी बैग, कमोडिटीज बैग, ठीक है, आपका गिफ्ट आइटम्स होता है बहुत सारा, डेकोरेटिव आइटम होता है। डेकोरेटिव आइटम में क्या होता है, जैसे कि आपका जो कार्टन पर्दा जिसका बोला जाता है वो बनता है, अच्छा कारपेट बनता है, इतना खूबसूरत खूबसूरत जो कारपेट आप देखते हैं वो जूट से ही बनता है। ये हमारे देश से ज़्यादातर कारपेट के लिए तुर्की जाता है, ठीक है, और तो बहुत सारे काम के लिए लेके जाता है, लेकिन जूट ज़्यादातर तुर्की लेके जाता है कारपेट्स के लिए। अच्छा, दूसरा है आपका कमोडिटीज बैग, जैसे कि ऑनियन, प्याज, कांदा जिसको बोला जाता है, आलू, पोटैटो, जितना फूड ग्रेन्स है जैसे कि मसूर, मूंग, जितना जो ग्रेन्स है, ये सब प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए लिया जाता है, ये लोग इंपोर्ट करता है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जूट बैग कैसे प्रोडक्शन होता है, कहां से स्टार्ट होता है और कितना मेहनत लगता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो फार्मर्स है वो लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप जवान मूवी देखे होंगे, उसमें से थोड़ा आइडिया लीजिए कि किसान लोगों का क्या हालत होता है। तो आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये कल्टीवेशन है, जूट का जो बिजनेस है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारा फैमिली का हेल्प होगा, सिर्फ आपका मत सोचिए कि आपका ही होगा, आपका तो होगा ही होगा, आप 10 रुपये में खरीदिए, 100 रुपये में विदेश में बेचिएगा, लेकिन
बहुत गरीब आदमी बहुत फार्मर्स का हेल्प भी होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कीजिए। अगर एक्सपोर्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो हमको कमेंट में लिखिए, हम आपको और बहुत सारा प्रोडक्ट का देंगे। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा प्रोडक्ट्स जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 2,000-5,000-10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस का आइडिया आपको मिलेगा। मेरा ऐसे चैनल में जो वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा है आपको मिलेगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा बहुत बंदा है जो जिसके पास पैसा है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, तो आप बैठ के बात कीजिए, सब्जेक्ट पे शेयर कीजिए और धंधा को आगे बढ़ाइए। अगर इसके बारे में और डिटेल्स वीडियो चाहिए और कुछ वीडियो चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में लिखिए, आपको हम आगे बहुत सारा प्रोडक्ट का वीडियो डिटेल्स देंगे। थैंक यू।